हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का दो सम किया था, अभी हम लोग नेक्स्ट सम कंटिन्यू करेंगे बेटा, जो टेक्स्ट बुक का ही है। कौन एब्सेंट है आज? आर्य एब्सेंट है। आजकल दो दिन छुट्टी पे थे, शायद शादी के पता नहीं कुछ फंक्शन है इसीलिए। आज नोटबुक चेकिंग थी तो अक्षत कहाँ से आएगा? उसकी सिस्टर की शादी है, सगी सिस्टर। बच्चों पेज नंबर 273 एग्जाम्पल नंबर 13, 273 एग्जाम्पल नंबर 13। स्टूडेंट्स 273 एग्जाम्पल 13 एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, और अगर इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमको कोई भी इंटरेस्ट मिला है तो उसके अलावा इक्विटी शेयर्स, प्रिफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, कुछ भी दिया है उससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। क्लियर बेटा? मैं सब लोगों को पार्ट रिपीट करो बेटा जो मैंने बोला। क्या क्या आएगा? मैंने तीन चीजें बोली बेटा, वो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट उसी के पार्ट है। तीन चीजें मैंने बोली, कौन सी तीन चीजें आएंगी? फिक्स्ड एसेट, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, और अगर इन्वेस्टमेंट पे कोई हमको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो, ये तीन चीजें आएंगी। इन तीन चीजों के अलावा कुछ भी आएगा नहीं। पेज नंबर 273 एग्जाम्पल नंबर 13, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ ब्रिजमोहन लिमिटेड prepare statement showing cash flow from investing activity. Students, अब आपको ना यहाँ पे investment in debentures of X company दिया है, machines दिया है, land and building दिया है, furniture दिया है, patent दिया है and goodwill दिया है। जिनके जिनके नीचे adjustment है ना, उन सबके हम लोगों को accounts बनाने हैं। नीचे देखो adjustment एक machine की है, तो हम लोग सबसे पहले machine account बनाएंगे, particular rupees, पर्टिकुलर रूपीज। दूसरी किसकी एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स? फर्नीचर, तो हम लोग फर्नीचर का भी अकाउंट बनाएंगे। जिनकी जिनकी एडजस्टमेंट हमको दी हुई है उन सबके अकाउंट हम लोगों को बनाने हैं। ये मैंने हेडिंग दिया फर्नीचर अकाउंट, पर्टिकुलर रूपीज, पर्टिकुलर रूपीज। फर्नीचर के बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट किसका है बच्चों? इन्वेस्टमेंट, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट का अकाउंट भी बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट के बाद नेक्स्ट क्या है बच्चों? उसका अकाउंट नहीं बनेगा, वो डायरेक्टली कैश फ्लो में इफेक्ट करेगा। उसके अलावा किसी का एडजस्टमेंट है बच्चों? अरे है कि नहीं है, बोलो ना। नहीं है ना, तो ऐसा बोलो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट पर्टिक्यूलर रुपीज। और यहां हम लोग बनाएंगे जनरल एंट्रीज। स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने मशीन अकाउंट बनाया है। सागर मशीन अपने लिए क्या होता है बेटा? असेट्स का बैलेंस कौन सा होता है? ये क्या होता है? डेबिट। तो स्टूडेंट्स मशीन के डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मशीन का बैलेंस चेक करिए बच्चों, ओपनिंग इट इज 2 लाख, पहले 2017 है फिर 2016 है, तो 2016 जो आपका ओपनिंग है, 2017 आपका क्लोजिंग है, ये ध्यान रखना।
उसके बाद मशीन का क्लोजिंग बैलेंस है 4 लाख, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट है, बाय बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड 4 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट हमने नहीं बनाया, उसको लास्ट में कैश फ्लो में देख लेंगे। फर्नीचर, प्रवेश फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस कहां लिखो मैडम? डेबिट में, डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस है 80,000, क्लोजिंग बैलेंस जाएगा क्रेडिट में, बाय बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड क्लोजिंग बैलेंस है 1 लाख। फिर हमने बनाया इन्वेस्टमेंट अकाउंट। प्रथम इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस कहां जाएगा? डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस है 4 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 6 लाख, तो बाय बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड 6 लाख। मैं यहां तक क्लियर हूं बेटा सब लोगों को? कोई कंफ्यूजन बेटा? एडजस्टमेंट नंबर 1, प्रोवाइड 20% डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। अब स्टूडेंट, मशीन में 2 बैलेंस है, ओपनिंग और क्लोजिंग। हमेशा जो डेप्रिसिएशन निकलेगा ना वो ओपनिंग बैलेंस पे निकलेगा। आपका ओपनिंग बैलेंस कितना है मशीन का? 2 लाख। 2 लाख का कितना परसेंट डेप्रिसिएशन निकालने को बोला है? 20%। 2 लाख का 20% निकालो। कनिष्क डेप्रिसिएशन की एंट्री बोलो बेटा। डेप्रिसिएशन की एंट्री कीर्तन, डेप्रिसिएशन की एंट्री बेटा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन, कितना डेप्रिसिएशन निकाला बच्चों? 40,000। अब इसका पोस्टिंग करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, तो हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट तो बनाया नहीं है। टू मशीन, तो मशीन के क्रेडिट में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन 40,000। एंट्री नंबर 1 किया बेटा, पोस्टिंग क्लियर सब लोगों को? सेकंड नंबर, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर की ओपनिंग वैल्यू 80,000 का 10% निकालो बेटा। डेप्रिसिएशन की एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 8,000। अब हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट तो बनाया नहीं है, टू फर्नीचर, तो फर्नीचर के क्रेडिट पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन 8,000। मैं कह रहा हूं बच्चों, कोई कंफ्यूजन किसी को? आगे बढ़ेंगे बेटा। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 40% इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर ₹3 लाख। स्टूडेंट्स, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितने की है बेटा? 4 लाख। हाउ मच इन्वेस्टमेंट वी हैव सोल्ड? वी हैव सोल्ड 40% इन्वेस्टमेंट, मतलब 1,60,000 की इन्वेस्टमेंट बेची बेटा। कितने रुपए में बेची हम लोगों ने? 3 लाख में बेची है। 1,60,000 की इन्वेस्टमेंट हमने 3 लाख में बेची। आयुष, ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ बेटा? जिसको पूछेगा वही बोलेगा। 1,40,000 रुपए का प्रॉफिट है। स्टूडेंट, सिस्टम से सिस्टम पे जाना है, एक एक एडजस्टमेंट को सॉल्व करके उसके लेजर पोस्टिंग करके उसके बाद ही सब में आगे बढ़ना है। सारी एडजस्टमेंट एक साथ सॉल्व नहीं करना। फर्स्ट एडजस्टमेंट सॉल्व किया, उसकी एंट्री लिखी, उसकी पोस्टिंग की। सेकेंड एडजस्टमेंट सॉल्व किया, उसकी एंट्री लिखी, उसकी पोस्टिंग की। अब थर्ड एडजस्टमेंट सॉल्व कर रहे हैं। 1,60,000 की इन्वेस्टमेंट हमने 3 लाख में बेची, मतलब 1,40,000 रुपए का प्रॉफिट है। या ची इन्वेस्टमेंट बेची बेटा, जनरल एंट्री बोलो। इन्वेस्टमेंट बेची उसकी एंट्री बोल रहा हूं बेटा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट। वैभवी, कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, कितने में बेची इन्वेस्टमेंट? 3 लाख इंक्लूसिव प्रॉफिट। अगर लॉस होता तो लॉस माइनस करने के बाद की जो वैल्यू बचती वो हमारी यहां पे एंट्री में शो करती। 3 लाख। हम लोगों को 1,40,000 का प्रॉफिट हुआ है, या ना? प्रॉफिट की एंट्री बोलो बेटा। इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, कितने का प्रॉफिट है बच्चों? 1,40,000। दोनों एंट्रीज क्लियर होगी बेटा सब लोगों को? कोई कंफ्यूजन किसी को? तीर्थ, कैश अकाउंट डेबिट कहां पे शो करूं बेटा इसको? मैं कैश अकाउंट डेबिट की बात कर रहा हूं बेटा। आप इन्वेस्टमेंट के लिए बता रहे हो, मैं कैश अकाउंट डेबिट की बात कर रहा हूं। कैश अकाउंट कहां पे शो करेंगे बेटा? हर्ष, कैश अकाउंट की बात कर रहा हूं बेटा मैं। कैश अकाउंट डेबिट कहां पे शो करूं मैं?
कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिखेंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। बच्चों इन्वेस्टमेंट सेल किया तो पैसा आएगा कि जाएगा, तो पॉजिटिव चली जाए। टू इन्वेस्टमेंट, राजवी कहां शो करूं बेटा? इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट पे बाय कैश कितना अमाउंट है बेटा? 3 लाख। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, वैष्णवी कहां शो करूं बेटा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट है तो इन्वेस्टमेंट के डेबिट पे लिखेंगे 2 PNL 1,40,000। 2 PNL है मिताली, कहां शो करूं बेटा इसको 2 PNL को? PNL अकाउंट बनाए नहीं है तो क्यों शो करेंगे? जब स्टूडेंट्स कैश है वही कैश फ्लो में जाएगा, बाकी जिसका जिसका अकाउंट हमने बना रखा है उस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। और अगर ऐसी कोई चीज है जिसका हमने अकाउंट नहीं बनाया है तो उसको कहीं भी शो करने की जरूरत नहीं है। चलो बेटा मैं सब लोगों को नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट मिला। कोई जनरेटरी ट्राई करना चाहता है इसकी? देखो किसका दिमाग दौड़ रहा है। इंटरेस्ट मिला, जमील बोल दो, इंटरेस्ट मिला, कुछ भी बोलो बेटा। यस, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना इंटरेस्ट मिला बेटा अपन को? 60,000। ये 60 60, बच्चों ध्यान देना बेटा, कैश अकाउंट डेबिट मिस्टेक कहां पे आएगा? कैश फ्लो में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला, इसीलिए पॉजिटिव 60,000। टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जील कहां पे शो करो बेटा? टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट थोड़ी है बेटा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, उसका अकाउंट बनाया हम लोगों ने कहीं पे, तो शो करने की जरूरत नहीं है। मैं क्लियर हूं बच्चों सब लोगों को बेटा? कहीं पे कोई कंफ्यूजन? अब स्टूडेंट्स एक एक का टोटल करेंगे बेटा, टोटल करके उसका शिफ्टिंग करेंगे। सबसे पहले मशीन में देखो तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, 4,40,000, वही 4,40,000 डिफरेंस निकालो बेटा, 2,40,000। जो क्या लिखो बेटा यहाँ पे, लास्ट लेक्चर में बताया था जो डिफरेंस आएगा क्या लिखेंगे? रुशिल हाँ, तो लिखो क्या है यहाँ पे? टू कैश। स्टूडेंट्स मशीन के डेबिट का डिफरेंस, इसका मतलब इतनी मशीन हम लोगों ने परचेज की, कसक मशीन परचेज करने की एंट्री बोलो बेटा, मशीन परचेज करने की एंट्री, असेट्स टू कैश मतलब मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने की मशीन परचेज की बच्चों? 240। अब मशीन अकाउंट डेबिट वो तो हम लोगों ने शो कर दिया मशीन में, टू कैश ओम कहां शो करूं बेटा? टू कैश को कैश फ्लो में क्या लिखेंगे? परचेज ऑफ मशीन, अगर मशीन परचेज की तो पैसा आया ना, आया कि गया? आएगा नहीं, पक्का जाएगा तो क्या करेंगे? ब्रैकेट में 2,40,000। अब बेटा फर्नीचर का डिफरेंस निकालो, क्रेडिट में 1,08,000, यहाँ पे 1,08,000, 80,000 गया, बचा 28,000, क्या लिखो बच्चों? टू कैश। जनरल एंट्री कौन ट्राई कर रहा है? जनरल एंट्री माही बोलो बेटा, फर्नीचर में 28,000 का डेबिट में डिफरेंस है, हमने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने का फर्नीचर लिया? 28,000। अब फर्नीचर अकाउंट डेबिट में तो आ चुका, टू कैश है बेटा, तो टू कैश को हर्षनी कहां लिखो? कैश फ्लो में परचेज ऑफ फर्नीचर, अमाउंट पॉजिटिव के नेगेटिव? 28,000। चलो मशीन कंप्लीट, फर्नीचर कंप्लीट, अबाउ इन्वेस्टमेंट पे क्रेडिट का टोटल है 9,00,000। अब 9,00,000 डेबिट में डिफरेंस निकालो बेटा, 3,60,000। जनरल एंट्री 8th नंबर,
नहीं नहीं जिसने नहीं बोले उसको बोलेंगे तू राइट। हाँ बराबर है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कितनी इन्वेस्टमेंट हमने बाय करी कितने की बेटा 360,000। अब इन्वेस्टमेंट डेबिट में आ गया टू कैश, लिखेंगे कैश फ्लो में परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने का इन्वेस्टमेंट परचेज है बेटा 360,000। कंसेप्ट क्लियर बेटा सब लोगों को? अब टोटल करो बेटा एक बार है ना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में देख लो कोई एसेट छुपी नहीं है ना। एक सेकंड स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट इज डन, मशीन इज डन, लैंड एंड बिल्डिंग में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दोनों सेम है, मतलब आपने ना नया लैंड एंड बिल्डिंग बाय किया ना आप लोगों ने कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग सेल किया तो उसको कहीं शो करने की जरूरत नहीं है। फर्नीचर इज डन, स्टूडेंट्स पेटेंट गुडविल ट्रेडमार्क ये इनटेंजिबल एसेट है, अगर उनके बारे में एसेट सॉरी एडजस्टमेंट में कुछ लिखा हुआ है तो ही उसको कंसीडर करना है, अगर एडजस्टमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ तो उसको हमको कंसीडर नहीं करना है। मैं क्लियर हूं बच्चों सब लोगों को? अब टोटल करो चलो, माइनस 2,60,68 लिखेंगे क्या बेटा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कंसेप्ट क्लियर बेटा? कंप्लीट कर दो सर।
स्टूडेंट्स जिनका ये सम हो गया है बेटा वो लोग है ना एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 286 पे क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों डायरेक्ट कैश फ्लो बनाना है, कोई एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है, सीधा जैसे क्या दिए सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेची तो पैसा सीधा कैश फ्लो में लिखेंगे सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव। क्लियर हो बेटा मैं सब लोगों का, शुरू कर लो सम। चलो डायरेक्ट कोई अकाउंट नहीं बनाना है, सीधा कैश फ्लो ही बनाना है, फटाफट करो। फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट उसका इंटरेस्ट, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर कभी भी आएगा नहीं। हमको हमारा एड्रेस पूछा हो तो हमको हमारा एड्रेस बताने का, पड़ोसी का नहीं। मैंने क्या बोला? नहीं क्या आएगा, मैंने क्या बोला बेटा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट और उसका इंटरेस्ट, लोन बोरोड किसी से लेना देना है उसका। जल्दी स्टूडेंट्स आंसर इज 1,05,000 नेगेटिव, कसक्का नहीं आया।